हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है स्पेशली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीएमपी डिग्री कॉलेज के लिए है। सीएमपी डिग्री कॉलेज के जो भी बच्चे बीकॉम के हैं या बीएससी बीए कुछ भी हो, उनका कोई भी कोर्स हो यूजी का, जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट होके आए हैं या सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आए हैं और जो अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, अपने नेक्स्ट सेशन का फीस भरना चाहते हैं, जो बच्चे सेकेंड ईयर में आए हैं या थर्ड ईयर में आए हैं, अपना फीस जमा करना चाहते हैं, ऑनलाइन एडमिशन करना चाहते हैं और उनको प्रोसेस नहीं पता है कि किस तरीके से एडमिशन करना है, तो उसी के लिए वीडियो है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा कि किस तरीके से आपको अपना ऑनलाइन एडमिशन करना है बिना कॉलेज को विजिट किए हुए। तो सबसे पहले आपको सीएमपी डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे। ये cmpcollege.ac.in है, इस वेबसाइट को आप ध्यान से देख लीजिए। इसका जो यूआरएल है cmpcollege.ac.in है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये सीएमपी डिग्री कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर यहाँ पे वेब मेल दिख रहा है, इसके बाद सीएमपी लाइफ एलएमएस, उसके बाद एडमिशन पोर्टल दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जब यहाँ पे आप एडमिशन पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन बटन दिखेगा। आप जब एडमिशन पोर्टल पे आएंगे, आप डायरेक्ट लिंक से भी आ सकते हैं, cmpadmission.cmpcollege.ac.in। इस लिंक को भी अगर आप डायरेक्ट विजिट करते हैं तो यहाँ से भी इस पेज पे आ सकते हैं, या आप इस वेबसाइट से भी आ सकते हैं cmpcollege.ac.in पे। यहाँ से आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है रजिस्टर फॉर फर्स्ट ईयर एडमिशन ऑनली। आपको इसमें नहीं जाना है, जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे हैं वहाँ ये जो लॉगिन सेक्शन है उनको अपना यहाँ पे लॉगिन करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि लॉगिन कैसे करें। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। अगर आपने एडमिशन सेक्शन में अभी तक लॉगिन नहीं किया है, आपने अगर फर्स्ट ईयर में कुछ डाला था उससे नहीं मतलब है, वहाँ उस समय आप UGAT नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन किए होंगे अपना या फीस जमा किए होंगे। अभी जो आपको डालना है, आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है और इनरोलमेंट नंबर ही आपको अपना पासवर्ड डालना है। इनरोलमेंट नंबर अपना आईडी आपको डालना है, इनरोलमेंट नंबर ही पासवर्ड डालना है। अगर नहीं खुल रहा है तो आप एक बार फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, कुछ अगर आप इधर उधर किए हैं या डाले हैं तो। बेसिकली अगर आप लॉगिन नहीं किए हैं तो आपको लॉगिन आईडी में अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। आपका इनरोलमेंट नंबर आपके फी रसीद पे होगा, वहां से आप अपने इनरोलमेंट नंबर को डालेंगे और सेम उसी को पासवर्ड डालेंगे सेम उसी सीक्वेंस में, और यहाँ से आप लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एडमिशन के लिए ऑप्शन आएगा, वहां से आप अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं और फीस पेमेंट करने के बाद आप अपने रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। आपकी रिसिप्ट ही आपके एडमिशन का प्रूफ होगा, तो उस रिसिप्ट को आप सेव कर लीजिएगा। हालांकि लॉगिन करने के बाद में भी आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी में आपको क्या डालना है, आपको इनरोलमेंट नंबर अपना डालना है, वही इनरोलमेंट नंबर को आप पासवर्ड में भी डालेंगे और लॉगिन कर जाएंगे। ये मेरी पुरानी आईडी है, मैं थर्ड ईयर पास हो चुका हूँ, तो हम लोग भी जैसे एडमिशन किए थे उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ से आपको मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ कि एडमिशन हो जाने के बाद आपको कैसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। तो जब यहाँ पे आप लॉगिन कर जाएंगे तो यहाँ आपको जैसे डैशबोर्ड दिख रहा है, वहां पे आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के लिए आएगा और इस तरीके से आपका डिटेल आपको दिखेगा। जैसे मेरा इनरोलमेंट नंबर है, नाम है और ईयर है, इसी तरीके से आपकी डिटेल यहाँ पे आएगी। अगर आप थर्ड ईयर में होंगे और जैसे बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट अगर होंगे तो आपको सब्जेक्ट सेलेक्शन का भी ऑप्शन दिखेगा, और जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए हैं उनको सब्जेक्ट सेलेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो डायरेक्ट अपना फीस पेमेंट करेंगे और फीस को पेमेंट करने के बाद यहाँ से वो अपनी फीस स्टेटस को देख सकते हैं। ये ऐड है, इसको क्लोज कर देंगे। जैसे मेरा लिख रहा है कि जो पेमेंट है आपका सक्सेसफुल हो चुका है और ये सब्जेक्ट जो हमने चूज किया था। अब यहाँ से अगर आपको अपनी रिसिप्ट प्रिंट करनी है तो अब जब मतलब आप अगर इस सेक्शन में एडमिशन कर लिए हैं, फीस पेमेंट कर लिए हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे आपको एक ऑर्डर आईडी दिखेगी, यहाँ पे पेमेंट आपको दिखेगा, स्टेटस दिखेगा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा। और यहाँ जो प्रिंट बटन लिखा हुआ है, इस प्रिंट बटन पे आप क्लिक करेंगे और प्रिंट बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी फीस रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो रिसिप्ट है वो ओपन हो रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
देखिए इस तरीके से आपको फी रसीद आपका आ जाएगा और पूरे फी की डिटेल होगी। इस तरीके से आपका ट्रांजेक्शन आईडी होगा और यहां से आप क्लिक करके आपको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं। तो ये एडमिशन का प्रोसेस आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। बाकी किसी तरीके का प्रॉब्लम आता है इसकी एमपी डिग्री कॉलेज में जो भी बच्चे हैं, चाहे बीए के हों, बीएससी के हों, बीकॉम के हों, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको लाइनिंग में हमारा नंबर शो हो रहा होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। किसी प्रकार की आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सिंपली सीएमपी के एडमिशन सेक्शन पे जाना है और बस लॉगिन करना है। लॉगिन में आपको ये ध्यान देना है, मैं यहाँ से लॉग आउट करके एक बार दिखाता हूँ। लॉग आउट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन में एनरोलमेंट नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। आप सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट आज के समय में करते ही हैं, आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सारे ऑप्शन जो भी ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम है सब मिल जाएंगे। आप अपना डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी डेट डाल के वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। सारे पेमेंट सिस्टम जो भी पेमेंट गेटवे हैं सारे उपलब्ध हैं यहाँ पे, वहां से आप अपने सिस्टम को एडमिशन को पोर्टल में जाके एडमिशन कर सकते हैं और आप अपने रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी एडमिशन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।